हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अंकिता। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसी 7 गलतियां कौन सी होती हैं जो जनरली लोग करते हैं हाइलाइटर्स लगाते वक्त, ठीक है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप हाइलाइटर लगाने में अच्छे नहीं हैं और आपको नहीं पता कि हाइलाइटर कैसे लगाना होता है, बेसिक एरियाज कौन कौन से होते हैं हाइलाइटर्स लगाने के आपके फेस पे, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, गो एंड चेकआउट। मैंने ऑलरेडी इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ आएगा। ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो थोड़ी लंबी होती है बट या बहुत अच्छे से समझाया होता है, ठीक है। सो आज हम बेसिकली मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग गलतियां कौन कौन सी कर देते हैं। हाइलाइटर लगाना तो सबको आता है लेकिन गलतियां भी तो कर देते हैं ना, तभी तो मेकअप में मिस्टेक्स होती हैं, तभी तो किसी का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा होता है और किसी का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। गंदा नहीं बोलेंगे, हर कोई अपनी तरफ से मेहनत करता है, हर कोई अपनी तरफ से अपने आप को एक अच्छा ही चाहता है ना कि वो अच्छा दिखे और अच्छा ही करता है, बट अच्छा नहीं लग रहा होता अगर वो मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए मूव ऑन करते हैं टू द फर्स्ट मिस्टेक जो बेसिकली लोग जनरली करते हैं। चलिए जो सबसे पहली मिस्टेक होती है जो कि जनरली लोग करते हैं वो ये होता है कि वो हाइलाइटर जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हाइलाइटर्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हाइलाइटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पाउडर हाइलाइटर होता है और एक क्रीम एंड लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं, ठीक है। पाउडर हाइलाइटर्स होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, लेकिन जो लिक्विड और क्रीमी हाइलाइटर्स होते हैं ना वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका इस्तेमाल ही गलत कर रहे हैं, आपने उल्टा ही इस्तेमाल कर दिया, किसी की ऑयली स्किन है और आपने लगा दिया है क्रीम वाला या फिर लिक्विड हाइलाइटर, किसी की ड्राई स्किन है आपने लगा दिया है भाई पाउडर वाला हाइलाइटर, सो ऐसे कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो मेकअप ही गलत कर रहे हैं ना। देखिए, चीज़ें लग सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसके पास नहीं है तो चीज़ें नहीं लगेंगी, लग सकती हैं। आप एक पाउडर हाइलाइटर से भी लिक्विड हाइलाइटर बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। वो भी मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, मेरी आपको वीडियोज़ बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, मेकअप हैक्स में जाके देखिए। अगर वहाँ नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेकअप हैक्स का पूरा प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। और मैं अलग से उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, सो डेफिनेटली यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट, ठीक है। देखा करिए, देखने से लोग सीखते हैं और आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। सो थोड़ा सा अगर आप टाइम स्पेंड कर देंगे तो कोई इसमें कोई खामी नहीं है, ठीक है, आप कुछ सीख ही रहे हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही होती है कि हाइलाइटर का सिलेक्शन ही गलत करते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। किसी पे कुछ लगा दिया, किसी पे कुछ लगा दिया, ठीक है। स्किन टोन है उससे टू शेड लाइटर हो सकता है आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर के भी डिफरेंट टोन्स आती हैं, पिंकिश टोन में भी हाइलाइटर आते हैं, ब्रॉन्ज में भी आते हैं हाइलाइटर्स एंड गोल्डन में भी आते हैं, ठीक है, सिल्वर हाइलाइटर्स भी आते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप क्या है, स्किन कलर क्या है, स्किन टोन क्या है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन से टोन पे कौन सा हाइलाइटर चलेगा, कौन से स्किन टाइप पे कौन सा हाइलाइटर हमें लगाना है, तो आपका मेकअप ख़राब ही होना ना, अच्छा नहीं होना। सो अगर आपके वार्म अंडर टोन है, आपका वीटिश अंडर टोन है, वार्म है, थोड़ा सा गेहूँ कलर है, थोड़ा सा दबा हुआ कलर है, तो आपको यूज़ करना चाहिए गोल्डन हाइलाइटर, जो कि जनरली बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। एंड जिसका जो भी कॉम्प्लेक्शन है, आप अपने कॉम्प्लेक्शन से खुश रहिए, सो दैट अगर आप अपने कॉम्प्लेक्शन से खुश रह के मेकअप करेंगे ना, तो आपका मेकअप ऑलरेडी बहुत अच्छा लगने वाला है। आपका कूल अंडरटोन है तो आप यूज़ करेंगे सिल्वर एंड पर्ली जो टोन होते हैं ना हाइलाइटर्स के, आप वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो सेकेंड मिस्टेक है वो ये है कि जो जनरली लोग क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके फेस पे हाइलाइटर लगना कहाँ पे है। अगर आपको प्लेस ही नहीं पता है कि भाई हमें हाइलाइटर लगाना कहाँ है, अगर चीक बोन्स पे लगाना है हाईलाइट करने के लिए, लेकिन हमें चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए इस जगह पे लगाना होता है, किसी ने अगर यहाँ लगा लिया है तो गलत हो गया ना वो। हमें ये चीज़ थोड़ी उठानी है, हमें ये चीज़ उठी हुई उभरी हुई दिखानी है ना, फीचर्स को एनहांस करना है, फीचर्स को बहुत अच्छा दिखाना है, जो दबी हुई चीज़ है उसको उठाना है एंड जो बहुत ज़्यादा उठी हुई चीज़ है उसको दबाना है। तो ये सारे प्रॉब्लम एक पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि कैसे लगाना है तो फिर तो आपका मेकअप बेकार ही होने वाला है, क्योंकि बेसिकली जो हाइलाइटर्स होते हैं वो आपके चीज़ों को लिफ्ट अप करने के लिए होते हैं, चीज़ों को उभारने के लिए होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से एरियाज होते हैं, कहाँ लगाना है, मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेकआउट। थर्ड मिस्टेक जो जनरली लोग क्या करते हैं, लोगों को पसंद तो बहुत होता है कि भाई हमें हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा हमें शाइन चाहिए, भर भर के शाइन चाहिए, हमारे फेस पे चमक क्यों नहीं आ रही है, हमें तो चमकना है बस, पूरी शादी में, पूरी पार्टी में, पूरे फंक्शन में हम ही चमकते हुए नजर आए। अरे भाई ठीक है,
आपको चमकना है ठीक है, लेकिन क्या इतना चमकेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा? तो जो मिस्टेक जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, हाइलाइटर टू मच अगर आप लगाएंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। चीज़ें कम लगाइए, आप बहुत सुंदर लगेंगे, ठीक है। हाइलाइटर को लगाते वक्त जो टूल होता है वो इस लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वैसे तो जो जनरली हाइलाइटर का जो टूल होता है दैट इज़ अ फैन ब्रश, ठीक है। फैन ब्रश होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी किस तरीके का ब्रश होता है। मेरे पास अभी है नहीं, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ यहाँ पे शो करूँगी कि फ़ैन ब्रश कैसा होता है। अगर आप वो ले लेते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर एक ब्रश है जो कि हाइलाइटर के लिए ही है, एंड आप उससे अगर हाइलाइटर लगाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली लगता है वो, बहुत ब्यूटीफुली। बट आप अपने फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइलाइटर्स को लगाने के लिए। हाइलाइटर्स को लगाने के बाद ना उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया कीजिए, ये नहीं कि आपने बस लगा लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना होता। उसको लगाने के बाद यू हैव टू ब्लेंड इट, आपको ब्लेंड करना है उसको, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है, ठीक है। सो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट जो बेसिक जो मेन टूल होता है ना हाइलाइटर का, वो होता है फैन ब्रश, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिक्विड हाइलाइटर, ठीक है, ये जनरली लोग मिस्टेक ये वाली करते हैं। अगर आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं और आपने ब्रश से लगाना इस्तेमाल कर दिया, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, सारा प्रोडक्ट तो ब्रश ही ले लेगा, ठीक है। तो आप जनरली यूज़ करें स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज यूज़ करें, या ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा लिया एंड लाइक टैप टैप किया, ठीक है। पर ब्रश नहीं है, स्पॉन्ज नहीं है, फैन ब्रश नहीं है, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करिए। जनरली जो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपनी फिंगर्स से पूरा मेकअप कर देते हैं और बहुत ब्यूटीफुल मेकअप करते हैं। तो आपके फिंगर्स में इतना बढ़िया जादू है ना, तो आप अगर इस्तेमाल करके देखिए एक बार ही, फिर बताइएगा। आप जो मिस्टेक लोग करते हैं क्या करते हैं कि जनरली अब भी शादी है हमारी, ठीक है, दोपहर की शादी है ऑलरेडी, मतलब आउटडोर आपको जाना है, ठीक है, इंडोर शादी नहीं है, आउटडोर है, खुला आसमान में शादी हो रही है, भाई सन भी निकला हुआ है, सब निकला हुआ है, ठीक है। अब शादी हो रही है, ऑलरेडी सन की इतनी शाइन होती है, नेचुरल लाइट आपके फेस पे इतनी ब्यूटीफुल शाइन देती है, और अगर आपने भर भर के लगा लिया है हाइलाइटर, तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, जनरल सी बात है। लेकिन अगर वहीं अगर हम वाइस वर्सा कर दें, अगर इंडोर शादी है, डिम लाइट में लाइक कोई फंक्शन है, सॉफ्ट लाइटिंग वाला फंक्शन है, एंड वहाँ अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटर लगा लेंगे तो आप सुंदर लगेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, हाइलाइटर लगाने के बाद या पूरा मेकअप करने के बाद आप लोगों से पूछते हैं ना कैसा लग रहा है मेकअप, कैसा लग रहा है मेकअप, आप बस एक चीज़ क्या कीजिए, एक फ़ोटो क्लिक कीजिए अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से कर लीजिए, उसके बाद अपनी फ़ोटो को देखिए और उसको जज करिए कि कहाँ मैंने गलत किया है, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। आप अपने आप से ज़्यादा ना आपको कोई नहीं बता सकता कि आप कैसे लग रहे हैं। दूसरे लोग ना कई बार ही ना झूठ झूठ में बोल भी देते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और मतलब आप अच्छे भी नहीं लग रहे होते, बट वो कह देते हैं यार कहाँ इसको हम बुराई करें, इसकी बेचारी का मन टूट जाएगा, इसको अच्छा ही बोल देते हैं, इस तरह करते ना लोग कर देते हैं। आप अपना खुद अपने आप को एग्जामिन कीजिए, फ़ोटो लीजिए, पिक लीजिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर लाइक आपने मेकअप में कहाँ कहाँ कमी करी है, ठीक है, और उसको फ़ौरन ठीक करिए, ठीक है। अब जो हमारी हाइलाइटिंग मिस्टेक है दैट आपने हाइलाइटर ले लिया, सब ले लिया, लेकिन अगर आपने अपना फाउंडेशन ही गलत लगाया है, फाउंडेशन ही आपने अपने स्किन टोन का नहीं लगाया, फाउंडेशन से हाइलाइटर को मैच नहीं किया, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपने फाउंडेशन गलत लिया। आप फाउंडेशन गलत लेंगे, आपने आपकी स्किन टोन है व्हाइटिश, आपने ले लिया फेयर, आप खुद सोचिए एक बारी, आपकी स्किन टोन है व्हाइटिश, आपने ले लिया फेयर, क्या वो जचेगा? नहीं जचेगा ना। तो आपको अपने कलर का फाउंडेशन लेना है, अपने टोन का फाउंडेशन लेना है, और उससे एक या दो टोन लाइट आपको हाइलाइटर लेना है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी, और कोई भी बात नहीं, बहुत बड़ी लाइक खेल नहीं है ये, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे मेकअप। एंड जब भी आप लाइक हाइलाइटर लगाते हैं ना, तो आप उसको लाइक अपनी पूरे मेकअप से ना मैच करता हुआ लगाइए, ठीक है। लाइक आपने कई बार क्या होता है कि लोगों को गोरा दिखना होता है, तो वो लाइक उनका कलर ही व्हाइटिश है, बट दे वॉन्ट कि नहीं हमें तो गोरा ही दिखना है। तो कई बार क्या होता है आप गोरे दिख जाएंगे, नो मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, आपको गोरा बना भी देंगे, आप गोरे दिख भी जाएंगे, आप फाउंडेशन से गोरे लग भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गोरे लग गए, आपका कलर था व्हाइटिश, फाउंडेशन आपने हाइलाइटर ले लिया व्हाइटिश के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बन गए हो आप गोरे, थे आप व्हाइटिश, ले लिया हाइलाइटर आपने व्हाइटिश की जैसा, तो क्या वो जचेगा?
नहीं जचेगा ना। तो हाइलाइटर अपने पूरे मेकअप को कोऑर्डिनेट करके अप्लाई करना है, उसका कलर अप्लाई करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी लगानी है वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भर भर के ना लगाएं, सबसे पहले कम से स्टार्ट करें। कम से आप ज़्यादा तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से कम में आने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। हो तो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए, और जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, सब करते हैं ये वाली मिस्टेक, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। एंड देख उनको लगता है हे आज तो मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, ऐसा लगता है उन्हें सीरियसली। एंड आपको मैं एक सिंपल सी एक बात बताती हूँ, आजकल क्या है पैलेट्स आती हैं, हाइलाइटर पैलेट्स आती हैं, जिनमें लाइक आपको बहुत सारे हाइलाइटर्स के ना अलग अलग शेड्स मिल जाते हैं। सो आप वो एक पैलेट ले लीजिए, सिर्फ एक पैलेट, अलग अलग हाइलाइटर खरीदने की बजाय ना अलग अलग खरीदेंगे महंगे पड़ेंगे, इससे अच्छा कि एक पैलेट ले लें, उसमें बहुत सारे शेड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप जिस तरह का जैसा मेकअप कर रही हैं उस तरीके से आप हाइलाइटर इस्तेमाल करें, ठीक है। और बस फिर देखिए कमाल, आप बहुत शिमरी लगेंगी, ग्लोई लगेंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो ये थी कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स जो कि जनरली लोग करते हैं हाइलाइटर्स को लगाते वक्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।